कॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, मतलब पहरेदार का एक ही काम है, वो काम है कि समझना, सुनना, देखना। एक्चुअली देखिए कि अपना मकान जो है वो मकान का परिघ जो मतलब बाहरी जो हिस्सा है वहाँ थोड़ी खजाना रखते हैं, वो बाहरी हिस्सा जो है वो है बुद्धि। खजाना जो रखते हैं वो अंदर रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, घर के अंदर सेंटर के बाजू में घर का खजाना या तिजोरी जो रहती है वो घर में अंदर रहती है। हमारी जो ताकत है, हमारी जो एनर्जी है वो अंदर है, बाहर नहीं है। बाहरी क्या है? बाहरी कॉन्शियस माइंड है जिसका काम है सिर्फ सुनना, देखना, पहचानना, लॉजिकली सोचना, रैशनली सोचना, पहरा देना, समझ लेना, बस उतना ही उसका काम है। हम जब बोलते हैं कि हाँ मेरे को समझ में आया, तो हम कहाँ से बोलते हैं समझ में आया? हम बोलते हैं कि हमको कॉन्शियस माइंड से समझ में आ गया। जब अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात जाएगी ना, और वो जब बोलेगा ना कि मेरे को समझ में आ गया, तब रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है। एक्चुअली नया इंसान पैदा तब होता है जब अंदर का जो मन है वहाँ वो बात पहुँचती है और वहाँ समझ में आती है, क्योंकि बाहरी हिस्से को समझ में आके फायदा है कुछ नहीं है। बाहर का हिस्सा तो समझ लेता है मगर उसका फायदा क्या है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो तो पहरेदार है, वो तो बाहर देख सब देख रहा है, उसका काम है सिर्फ जो वातावरण है उसके साथ में संपर्क में रहना और घर को पहरा देना। असली मालक जो है उसके हाथ में चाबी है, उसके हाथ में शस्त्र अस्त्र है, वो एक्शन में लेता है। तो हम जब बोलते हैं कि नहीं समझ में आ गया, तो एक्चुअली वो आदमी के अंतर मन में समझ में आया क्या? अंतर जो हिस्सा है, सेंटर पॉइंट है, वहां समझ में आया क्या? मतलब सबकॉन्शियस माइंड में समझ में आ गया, यस, वहां वो उसकी जानकारी होगी तो वो आदमी सिगरेट छोड़ेगा, वो आदमी जो चाहे वो करेगा, जब वो अंदर समझ में आता है। तो बाहर समझ में आके फायदा क्या है? देखो, किसी ने कहा है कि यदि हम वृक्ष को जल देते हैं, पानी देते हैं, तो वृक्ष को फूल आ जाएंगे। बात तो सही है कि वृक्ष को हम पानी देते हैं कि वृक्ष को फूल आ जाएंगे। तो कोई आदमी यदि वृक्ष के पन्नों को पानी देगा तो वृक्ष को फूल नहीं आएंगे। फिर बोलेंगे देखो, जिसने कहा था कि वृक्ष को पानी देंगे, फूल तो आए नहीं। मगर वृक्ष को पानी देके, मतलब वृक्षों के जो पत्ते हैं वो पत्तों को पानी देके फूल नहीं आएंगे। यदि वृक्ष को पानी देंगे तो पत्तों को देना नहीं पड़ता है, वृक्षों के जड़ को पानी देना पड़ता है ताकि उसको फूल आएंगे। जड़ को पानी देते हैं तो फूल तक पहुंच जाते हैं, पत्तों तक पहुंच जाएंगे, पत्तों को पानी देंगे तो जड़ों तक जाते नहीं है। इसका ही मतलब ये हो गया कि आपको जो भी कुछ करना है वो जड़ में करना होगा, वो अंतर अंदरून हिस्सा जो है वहाँ करना होगा। हम क्या करते हैं? हम तार्किक, लॉजिकल, रैशनल बुद्धि से सोचते हैं, वहाँ से सोचते हैं कि वहाँ से एक्शन हो रही है। हम बोलते हैं हाँ हमको समझ में आ गया, मगर वो समझ में एक्चुअली रियल में आया नहीं है। एक्चुअली हो रहा क्या है? वो अंदरून, जब कभी एक्शन जड़ से आएंगी, अंदरून आएंगी, तभी मतलब वहाँ यदि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रूपांतरण कहाँ होगा? ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब जड़ में कोई बात पक्की हो जाती, तो कॉन्शियस माइंड को बाहरी हिस्सों में वो बात समझ के या समझा के कुछ फायदा होने वाला है नहीं। हम जब भाषा सीखते हैं, गणित सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं, तो वो बाहर से आता है, इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है और वो हम सीखते रहते हैं, वो सीखना पड़ता है और वो हम कॉन्शियस माइंड से सीखते रहते हैं, बाहरी हिस्से से सीखते रहते हैं, वो सीखना पड़ता है या सिखाना पड़ता है। क्रोध नहीं सिखाना पड़ता, क्रोध सब अंदर से आता है। कोई जंगल में किसी को डाल दो ना बच्चे को, तो उसको भाषा नहीं आएगी, उसको भाषा ही सिखाई नहीं तो आएंगी नहीं। उसको यदि गणित सिखाया नहीं तो उसको गणित नहीं आएगा। मगर जंगल में भी है बच्चा तो वो सेक्स सीख जाएगा, वो क्रोध सीख जाएगा, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। इसका मतलब ही क्या है कि जो चीज़ अंदर से आ रही है वो बहुत महत्व की है और वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, वो परिणाम करती है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। तो जो अंदर से आ रही है उसको हमने चैनलाइज करना, उसको हमने ठिकाने पे लाना, उसको समझाना, वो हमारा काम होगा। उसको समझाएंगे तो होगा, क्योंकि वो अंदर से आ रही है, प्रभावी वो है, मालिक वो है, वो अंदर से आ रहा है, ताकत उसमें है।
तो वो हमने समझना बहुत ही जरूरी है। तो जब हम सीखते हैं कि क्रोध ना करूं, मैंने क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हम वही हिस्से से सीखते हैं जो हिस्से से हमने गणित सीखा था, जो हिस्से से हमने भाषा सीखी थी, वही मन के हिस्से सीखते हैं। मगर वो सीखने की बात नहीं है, उसने सीखना तो कोई फायदा होगा नहीं। यदि हम कॉन्शियस माइंड से वो सीखते हैं कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, वो सीखने की जगह ही नहीं है। कॉन्शियस माइंड ने क्या सीखना है, बाहरी इंफॉर्मेशन लेना है, नॉलेज लेने का है। मगर क्रोध नहीं करना, ये तो अंदरून क्रोध आ रहा है, उसको बाहरी हिस्से से सीखने से कोई क्रोध कंट्रोल में होने वाला नहीं है। तुमको ये देखना पड़ेगा कि अंदरून कंट्रोल कैसा होगा क्रोध के ऊपर, अंदर से जो है क्रोध आ रहा है वहां से कंट्रोल कैसे होगा, वो हमें सीखना पड़ेगा। तक अंतर मन तक जब बात जाएंगी तब उसमें फर्क दिखेगा, तब रूपांतरण होगा, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अंतर मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचानी है तो उसकी प्रक्रिया है। एक तो बार 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 अफर्मेशन से अंतर मन तक बात पहुंचा सकती है, या बार 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 आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हो, जो हम हिप्नोटिज्म में करते हैं, सम्मोहन अवस्था में करते हैं, कि हम जो बात हमको कहनी है वो अंतर मन तक पहुंचाते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और वो प्रक्रिया आप करते हैं तो अंतर मन तक ये बात पहुंच जाएंगी, और वहाँ यदि बात पहुंचती है तो उसका फ़ायदा दिखेगा हमारे बिहेवियर में, उसका एक्टिव रिजल्ट हमें दिखेगा हमारे जीवन में।